हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष किया। विज ने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार हैं, वह हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। राहुल गांधी भाजपा को नकारात्मक बताते हैं। आपको बता दें कि अनिल विज ने अम्बाला कैंट में 2.54 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए स्वागत द्वार का उद्घाटन करा। राज्यसभा सदस्यों के चयन पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर उठे सवालों पर गृह मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बड़ी प्लानिंग से कोई भी विधायक वोट खराब करे या समझ में नहीं आता। कांग्रेस अपने कुछ नेताओं को रायपुर ले गई थी, वहां जाकर यही ट्रेनिंग दी होगी कि अपनी अपनी वोट को खराब कैसे करना है। उनके दिशा निर्देश के अनुसार यही होगा। कांग्रेस ने इसे क्यों नहीं पकड़ा? कांग्रेस के ही भीतर बड़ा खेल हुआ है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विश्व स्तरीय खेलों का ढांचा अम्बाला कैंट में मुहैया कराया। ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल, स्पोर्ट हॉस्टल बना दिया। अब इसका जल्द ही फायदा मिलेगा जब अम्बाला के बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। वह चाहते हैं कि अगली बार खेलो इंडिया में अम्बाला के खिलाड़ी अपना नाम रोशन करें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अम्बाला के खिलाड़ी दुनिया भर में अपना नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।